और मणिपुर के अंदर भी जो हिंसा हो रही है, क्या मणिपुर के लोग इस सवाल को लेकर के नहीं उठा रहे? दिल्ली के अंदर खुद एक नहीं कई प्रदर्शन हुए है ना, तो सवाल ये है कि सड़क अगर संसद के अंदर इसके बारे में मुद्दा नहीं बनेगा तो सड़क पर इसके खिलाफ लड़ाई। वो घटना मई की घटना थी जिसका वीडियो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ। FIR जो दर्ज हुई वो अज्ञात नाम से दर्ज हुई, जबकि उस वीडियो में उनके चेहरे आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतनी बड़ी घटना पे तो सरकार गिर जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इतनी बड़ी घटना पे तो वीरेंद्र सिंह को उनके पद से इस्तीफा देने। मणिपुर की बात नहीं है, आप UP में देख लीजिए, आप बंगाल में देख लीजिए, आप हर जगह देख लीजिए, महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा करना। इस देश की बेटियां, इस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कम से कम इस सरकार में, इस लॉ एंड ऑर्डर में जो घटना हुई थी उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। वो भी किसी की बेटी थी और उसका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया गया था, बॉडी को जला दिया गया था, क्योंकि भाजपा के कुछ लोग, भाजपा के कुछ नेता उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। यूपी के अंदर जब आशा वर्कर्स अपना अधिकार मांगते हैं कि हमको हमारा भत्ता बढ़ाओ, तब इसी योगी सरकार में देश की राजधानी लखनऊ। कहते हैं कि देश में युवा होना ज़रूरी है, और भारत देश में युवा को जो है आईना बताया जाता है कि ये भविष्य है, और आखिर जब भविष्य सड़कों पर आ जाता है तो सवाल ये उठता है कि केंद्र की सरकार क्या कर रही है। एक ऐसा ही युवा चेहरा हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सड़कों पर आ चुके हैं, प्रोटेस्ट आप लगातार कर रहे हैं, केंद्र सरकार को आप आवाज़ दे रहे हैं कि युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार आपको रोज़गार दे रही है? देखिए, इस देश में सरकार अगर रोज़गार दे रही होती तो शायद इतने सारे नौजवानों को प्रदर्शन नहीं करना होता। आज आज आप कोई भी राज्य उठा करके देख लीजिए, या फिर आप बैंक देख लीजिए, रेलवेज देख लीजिए, तमाम जगह SSC देख लीजिए, कहीं पर भी लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो पुराने पद थे जिन पर अपॉइंटमेंट होना था, उन पदों को, उन पोस्ट को खारिज कर दिया गया। रिजर्वेशन की ज़बरदस्त धांधली दिख रही है। जो 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा था, वो 2 करोड़ का रोज़गार तो आज मिला नहीं, लेकिन कई सारे लोगों ने आज अपना रोज़गार खोया है। ये एक बड़ा सवाल है, और इस चीज़ को लेकर के इस देश के युवा वर्ग के अंदर ज़बरदस्त गुस्सा है। लोग आज प्रदर्शन के लिए इकट्ठा है। इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट हुआ है, आपने हर एक राज्य की जिक्र किया, हर एक राज्य में प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन केंद्र की सरकार जब मणिपुर पर जो है चुप्पी नहीं तोड़ती है, तो क्या आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट को देखने के बाद, इस आवाज़ को सुनने के बाद जो है रोज़गार की तरफ बढ़ेगी सरकार? देखिए, हमारी सरकार तो किसी भी मुद्दे पर चुप्पी नहीं तोड़ती है। हमारी सरकार या सरकार में बैठे लोग जब भी मुंह खोलते हैं, वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो संविधान के खिलाफ हो, जो इस देश के एक तरीके से आम लोगों के खिलाफ हो, और उसको वो जस्टिफाई करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग लड़ना छोड़ देते हैं, है ना। कर्नाटका इलेक्शन में हमको एक रिजल्ट दिखा है ना, कि वहाँ के लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज और मणिपुर के अंदर भी जो हिंसा हो रही है, क्या मणिपुर के लोग इस सवाल को लेकर के नहीं उठा रहे? दिल्ली के अंदर खुद एक नहीं कई प्रदर्शन हुए है ना, तो सवाल ये है कि सड़क अगर संसद के अंदर इसके बारे में मुद्दा नहीं बनेगा तो सड़क पर इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, और डेफिनेटली आने वाले चुनाव में भी इसका असर जरूर दिखेगा। कर्नाटक का जिक्र किया, कि आपको राहुल गांधी पर भरोसा है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके का अब एक तस्वीर पेश कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो युवाओं के और हर एक वर्ग के जो है मसीहा बन चुके हैं। कभी खेतों में जो है खेती करते नजर आते हैं, तो कभी लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, आज सुबह 4 बजे जो एक मार्केट पहुंच जाते हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी से उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए, मुझे इस देश की जनता पर भरोसा है, इस देश के उन लोगों पर भरोसा है जो खेतों में काम करते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, और सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, और सबसे लंबा आंदोलन जो है वो किसी एक पार्टी के पॉलिटिकल लीडर ने नहीं लड़ा था, वो हमारे देश के आम किसानों ने लड़ा था, और मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी और वो वापस जाना पड़ा था, है ना। तो अगर मुझे किसी चीज़ पर भरोसा है तो उस पर है। 2012 में एक सरकार गिरी थी, है ना, और गिरी थी किस सवाल पे? इस दिल्ली शहर के अंदर एक बहुत बड़ा जेंडर मूवमेंट हुआ था, है ना। तो अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो उस पर है। आप एक महिला हैं, और महिलाओं का दर्द महिला अच्छी तरीके से समझ पाती हैं। मणिपुर बंगाल से जो वीडियो सामने आया वो हैरान करने वाला है, कि क्या भारत देश में इतनी लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, इतनी तानाशाही बढ़ चुकी है कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कैमरा जी भी हैं, क्योंकि आप ही आवाज़ लगा रही हैं, आप सबका जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। महिलाएँ प्रोटेस्ट तो कर रही हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है मणिपुर को लेकर। आप मणिपुर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगी कि हमारे देश की सरकार जहाँ पर
इस सवाल को लेकर के शांति बहाल करनी चाहिए थी, जहां पर इस सवाल को लेकर के बीरेंद्र सिंह को उसके पद से हटाना चाहिए था। कायदे से तो एक तरीके से कहा जाए तो हमारे देश के लिए शायद वो दिन सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाला दिन था, है ना। वो घटना मई की घटना थी जिसका वीडियो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ। FIR जो दर्ज हुई वो अज्ञात नाम से दर्ज हुई, जबकि उस वीडियो में उनके चेहरे आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतनी बड़ी घटना पे तो सरकार गिर जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इतनी बड़ी घटना पे तो वीरेंद्र सिंह को उनके पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए था, लेकिन इस सवाल पे चुप्पी है, जो चीज़ साफ साफ दिखता है। और ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, आप यूपी में देख लीजिए, आप बंगाल में देख लीजिए, आप हर जगह देख लीजिए, महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा करना एक आम बात हो गई है, और उसको लेकर के किसी भी तरीके का, अरे आप आम महिला की बात छोड़ दीजिए, इसी दिल्ली शहर में कुछ महिला पहलवान बैठे थे, FIR दर्ज करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और उसके बाद भी वो आदमी खुला घूम रहा है, और मणिपुर के ऊपर आश्चर्यजनक है कि मणिपुर के ऊपर बयान भी दे रहा है ना। तो हमारे देश के अंदर इस देश की बेटियां, इस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कम से कम इस सरकार में, इस लॉ एंड ऑर्डर के राज में तो बिल्कुल भी नहीं। सुरक्षा की आपने बात कही, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अमित शाह ये बयान लगातार दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बेटी रात को 12 बजे स्कूटी से निकल जाए इतनी सुरक्षित है। JP नड्डा राजस्थान पहुँचते हैं, अशोक गहलोत से कहते हैं कि आपके यहाँ राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फिर ये जो नेता सुरक्षा की बात करते हैं, क्या फिर ये जुमला है क्या है? देखिए, आप उनसे पूछिए ये बात कि हाथरस में जो घटना हुई थी उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, वो भी किसी की बेटी थी, और उसका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया गया था, बॉडी को जला दिया गया था, क्योंकि भाजपा के कुछ नेता उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। यूपी के अंदर जब आशा वर्कर्स अपना अधिकार मांगते हैं कि हमको हमारा भत्ता बढ़ाओ, तब इसी योगी सरकार में देश की राजधानी लखनऊ में उनको बुरी तरह से पीटा जाता है, उनका मोबाइल फ़ोन छीना जाता है, बुरी तरह से पीटा जाता है। तो हमारे देश में चाहे वो यूपी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी बयानबाजी चाहे जो भी करें, लेकिन सच्चाई यही है कि महिलाओं के ऊपर लगातार हिंसा हो रही है, और यूपी आज के समय में उसका एक बड़ा गढ़ है। ये शोषण का पोषण कब तक चलता रहेगा? मैम, एक महिला हैं और आप तमाम महिलाओं से मुलाकात करती होंगी, आपके घर में बेटियां बच्ची होंगी, उनसे आप बातचीत करती होंगी, सुरक्षा नहीं बढ़ेगी तो महिला घर से बाहर निकलना बंद कर देंगी, ये शोषण का पोषण का इलाज क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा इलाज तो यही है कि समाज बदले एक बहुत ही लंबा और एक बड़ा काम है, लेकिन कम से कम इस सरकार को तो बदलना ज़रूरी है, जो लगातार देश के तमाम संस्थानों में जितने जेंडर सेल हैं सबको ख़त्म किए जा रही है, विशाखा जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के बजाय उसको और पीछे, मतलब कानून के तहत जो चीज़ें, जो राइट्स महिलाओं को मिले थे, वो सारे राइट्स एक के एक करके छीने जा रही है। तो इस देश को, समाज को बदलने से ही महिलाओं को सुरक्षा और आज़ादी दोनों मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो इस सरकार का बदलना जरूरी है। सवाल आपसे रहेगा, वीरेंद्र सिंह को लेकर आपने जिक्र किया, वो शांत हैं, चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, मणिपुर में हिंसा लगातार चल रही है, मैत्री कुकी जो समुदाय वो लड़ाई उनमें देखने को मिल रही है, आप यहाँ पर वीरेंद्र सिंह को क्या कहना चाहेंगी कि वो चुप्पी कब तोड़ेंगे, क्या एक संदेश है मणिपुर वासियों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये लड़ाई सिर्फ मणिपुर की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, और पूरा देश में जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, और देश भर के अंदर वीरेंद्र सिंह की आलोचना होगी, इनके इस्तीफे की मांग होगी, और इसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। हम मणिपुर की महिलाओं के साथ हैं, हम वहां पर होने वाली हिंसा के खिलाफ हैं, हम संविधान के साथ हैं। ये थी महिला की आवाज़, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मणिपुर की जो बेटियां उनके साथ हम खड़े हुए हैं, और यहाँ पर वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की बात भी की गई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती भी दी गई है कि अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। अब देखना ये पड़ेगा कि आने वाले वक्त में केंद्र की सरकार का फैसला क्या होता है मणिपुर को लेकर, युवा रोजगार को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लेकर क्या पर जो है बड़ा फैसला लिया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सबिता।